इसमें जो है देखिए, सूर्य का जो 1 ही प्रतिशत हम जो ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं, सूर्य की जो ऊर्जाओं का 1 ही प्रतिशत हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? इसका पहला कारण मैंने आपको बता दिया कि सूर्य जो है दिन में ही निकलता है, रात्रि में नहीं निकलता। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण देखिए, जो मार्च का महीना होता है, अप्रैल का महीना, मई का महीना, मई के बाद हमारी बारिश शुरू हो जाती है। मतलब अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो पर ईयर 4 ही महीना ऐसा होता है जहाँ पे सूर्य जो है दिन में निकलता है और अच्छे तरीके से हमें ऊर्जाओं को देता है, कड़ी धूप। ठीक है, तो इन महीनाओं में तो हम यूज कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में जब बादल घिर जाता है उस मौसम में, सर्दी का जब मौसम ठंडक जब आता है विंटर, और कोहरे के मौसम में, हम इन सारे मौसम्स में इस्तेमाल नहीं कर पाते, इस्तेमाल हम नहीं कर पाते, तो इस वजह से भी हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं सूर्य का, पूरी तरीके से ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। और क्या कारण हो सकता है? एक और कारण है, सूर्य जो है बाबू, देखे होगे, सुने होगे कि पूरब से निकलता है और ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में ढल जाता है। मतलब पूरब से निकलता है और पश्चिम में ढल जाता है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि सूर्य जो है चल रहा है, अपनी चक्र को पूरा करता रहता है हमेशा। तो चक्र जब पूरा करता रहता है तो आप देखे होगे कि सूर्य जब निकला, पूरब से निकला, तो देखे होगे कि 10-11 जब बजा तो सूर्य कहीं और होता है, 12 बजा तो हमारे सर के ऊपर होता है, 2-3 बजा तो पूर्व पश्चिम की ओर जाने लगता है, 5-6 बजा तो अस्त हो जाता है पश्चिम की ओर। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई छत पे अगर आप कोई सामान रखते हो, कपड़े भी रखते हो सूखने के लिए, तो सुबह में कहीं और रखते हो, दोपहर में कहीं और ले जा करके रखते हो। क्यों? क्योंकि उसका जो जगह है बदल रहा है, क्योंकि उसकी किरणें हमेशा बदल रही है। तो मतलब क्या है कि उसकी इंटेंसिटी हर टाइम चेंज होती रहती है, उसकी तीव्रता जो है हर वक्त बदलती रहती है। इस बदलते हुए तीव्रता के वजह से भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब मेरा टॉपिक क्या है? शक्ति प्राप्ति की विधि। शक्ति प्राप्ति की विधि, शक्ति प्राप्ति की जो विधि है, इसमें देखिए कैसे हम शक्ति का प्राप्त करते हैं। देखिए, सूर्य ऊपर चित्र संख्या 1.12 में देखेंगे, अगर आप चित्र संख्या 1.12 में अगर आप देखेंगे तो सूर्य ऊपर है, सूर्य तेज में दिखाया है 1.12 में, सूर्य ऊपर है, सूर्य से किरणें निकल रही हैं। जो डॉट डॉट लाइन है चार, वो क्या है? सूर्य की किरणें हैं। अब वो सूर्य की किरणें कहाँ पे जा रही हैं? लेंस पे जा रही हैं आपके। किस पे जा रही हैं? लेंस पे जा रही हैं। लेंस हमने क्यों लगाया है? लेंस हमने इसलिए लगाया है ताकि जो सूर्य की जो किरणें निकल रही हैं वो जा करके कन्वर्ज कर दें। मतलब कि अगर देखिए, एक लकड़ी अगर आपको दे दिया जाए तो आप हाथ से अपने तोड़ दोगे, दो लकड़ी दे दिया जाए तो भी तोड़ दोगे, तीन हो जाए तो थोड़ी ताकत और लगेगी, चार हो जाए तो और ताकत, लेकिन 5, 6, 7, 8 की लकड़ी का अगर बंडल आपको दे दिया तो आप तोड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आठों लकड़ियों की ताकत हो जाएगी। मतलब क्या है कि ऊर्जाओं का बिखराव नहीं होगा, तब ऊर्जाओं का बिखराव नहीं होगा। एक साथ सारी ऊर्जाओं को, अगर एक एक यूनिट, एक एक ऊर्जा है सब में, तो वहां पे 8 यूनिट ऊर्जा एक साथ हो जाएंगे, और अलग अलग हो गया तो एक एक यूनिट हो गया। तो इसीलिए ये सारे जो बंडल ऑफ रेज हैं, मतलब बंडल के जो रेज हैं, कई बंडल्स में रेज जो आ रही हैं, उसको क्या करेगा? लेंस फोकल करेगा, एक पॉइंट पे फोकस करेगा, एक पॉइंट पे फोकस करेगा। तो कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि इन चारों रेज जब किरण जो लेंस से पास होंगी, जब लेंस से पास होंगी, तो देखिएगा इनका एंगल हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, थोड़ा थोड़ा सा एंगल बदल गया। तो बदलने के वजह से आप देखे होंगे कि जो रेज निकल रही है लेंस से पॉइंट पॉइंट करके, देखिए उस फिगर में, वो एक थोड़ा सा घूम गई है, तिरछी हो गई है और जा करके एक पॉइंट पे मिल गई है, जिसको बोले हम क्या? फोकस बिंदु बोले हैं। मतलब क्या हुआ कि सारी किरणों की जो ताकत है वो जा करके एक बिंदु पे मिल गई है। ठीक है, उस बिंदु पे जब जा करके मिल गई है तो क्या हुआ है? तो वहां पे ऊष्मा जनरेट होने लगा है, ऊष्मा उत्पन्न होने लगा है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि धूप से कागज जलाते होंगे, धूप से कागज जलाते हो, लेकिन क्या धूप में आप कागज रख दोगे तो क्या हुआ? अपने आप जल जाएगा? कभी नहीं। हम क्या करते थे? एक लेंस लेते थे,
लेंस लेकर के कागज को रख देते थे, और जब लेंस के ऊपर कागज को ऐसे करके घुमाते थे तो देखते थे कि एक बिंदी, एक रेज निकल रही है, किरण निकल रही है। तो वो रेज क्या करते थे, कागज के ऊपर डालते थे और उसे लेंस को कांस्टेंट रखते थे, हिलाते डुलाते नहीं थे। तो एक वक्त के बाद, 2 मिनट 3 मिनट के बाद आप देखते होंगे कि कागज हमारा जलने लगा है, मतलब कि वो पॉइंट में हीट एनर्जी, उसमें ऊर्जा को देना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो उसी वही कार्य है लेंस का, क्या किया, उस बूंद पे ऊर्जा हमारा, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होने लगा। अब ये उसमें ऊर्जा कहाँ जा रही है, बॉयलर में या भट्टी में। आगे देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है, उसमें लिखा है बॉयलर या भट्टी। अब अगर बॉयलर है तो बॉयलर में बाबू पानी होगा। बॉयलर बेसिकली क्या, किस लिए होता है, स्टीम बनाने के लिए काम में आता है। स्टीम बनाना मतलब, जैसे बॉयलर अगर आपका अगर घर में जो कुकर होता है, प्रेशर कुकर होता है, घर में जो प्रेशर कुकर होता है, उसमें अगर आप पानी भर दो, और आज कोविड टाइम में आप लोग बहुत अच्छा एग्जांपल देख रहे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे हर जगहों पे सोशल मीडिया पे, कि स्टीम पानी भर दिया, उसको हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, एक टाइम पे क्या होगा, ऊपर से साइफन के रास्ते जहाँ सीटी लगी होती है वहां से निकलने लगता है, क्या चीज, स्टीम निकलने लगता है, हाई अमाउंट में गर्म स्टीम निकलने लगती है। तो उसी तरीके का होता है, देखिए बॉयलर मतलब हीट दे रहे हैं, हीट तो हमें कहाँ से मिल गई, सन से मिल गई, सन से हमने लेंस कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया जिससे किरण सारी कन्वर्ज हो गई, और कन्वर्ज होने के बाद उष्मा क्रिएट करने लगी। अब वहां पे बॉयलर है, बॉयलर में पानी भरा हुआ है, पानी बॉयलर को गर्मी मिलनी शुरू हुई, हीट मिलना शुरू हुआ और स्टीम बनना शुरू हो गया। अब देखिए जब बॉयलर को हीट मिलना शुरू हो गया तो जो पानी है वो भी गर्म होने लगा। जब गर्म होने लगा तो आप देखोगे कि उसमें से भाप निकलना शुरू हुआ। अब वो भाप क्या किया हमने, उस भाप को हमने, देखिए बॉयलर के जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसके ऊपरी हिस्से पे देखिए कनेक्ट कर दिया है किससे, टरबाइन से। तो यानी भाप जा रहा है किस पे, हमारे टरबाइन पे, किस पे जा रहा है, टरबाइन पे। अब जो टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन कुछ नहीं है, एक ब्लेड्स लगे होंगे, ब्लेड्स मतलब घूमेंगे, एक चरखी टाइप का लगा होगा, जैसे आप लोग बचपन में एक देखे होंगे, एक झंडे टाइप का होता है जिसमें चरखी लगा होता है, लेकिन जब उसको आप लेकर के दौड़ते हो तो हवा के प्रेशर से वो चरखी घूमने लगता है। तो ठीक उसी तरीके से क्या होता है, टरबाइन होता है। तो उस टरबाइन में ब्लेड्स लगे होते हैं, पत्ते टाइप के, जैसे पंखे होते हैं हमारे ऊपर, सीलिंग फैन जो लगे होते हैं उस तरीके के। तो स्टीम जा करके क्या होगा बाबू, जा करके गर्म हॉट स्टीम होगी, प्रेशर में निकलेगी। अब वो प्रेशर में निकल रही है, जा करके किससे टकराएगी, टरबाइन के ब्लेड से। अब क्या होगा, जब टरबाइन के ब्लेड से टकराएगी तो टरबाइन तो हमारा रोटेट करेगा, टरबाइन तो हमारा रोटेट करेगा। जब टरबाइन हमारा रोटेट करेगा तो वहां से क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। कैसे, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, टरबाइन जब रोटेट करेगा तो टरबाइन में शाफ्ट लगा होगा, जब ब्लेड्स रोटेट करेंगे तो शाफ्ट भी रोटेट करेगा। तो शाफ्ट भी रोटेट करेगा, तो क्या होगा कि रोटेशन के बाद शाफ्ट जब घूमेगा तो शाफ्ट को हमने कनेक्ट कर दिया आगे जा करके देखिए विद्युत जनित्र से, यानी जो हीट एनर्जी मिली, हीट एनर्जी से हमने स्टीम बनाया, स्टीम बनाने के बाद टरबाइन पे छोड़ दिया, टरबाइन पे गया तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। टरबाइन ने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर दिया उस हीट को। अब वो हीट क्या, अब वो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ गया, जनरेटर में गया। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को पाते ही क्या कर दिया, एनर्जी को पाते ही क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, यानी कि हमारी विद्युत का उत्पादन शुरू हो गया। अब देखिए जो बचा हुआ जो स्टीम होगा, जो बचा हुआ हमारा स्टीम होगा वो टरबाइन से लगने के बाद, नीचे देखिए टरबाइन जहाँ बॉक्स तिरकोना बॉक्स बनाया है उसके नीचे आप देखिए संयंत्र लिखा हुआ है, यानी कलेक्टर है वो। कलेक्टर मतलब कलेक्शन, जैसे कलेक्शन का मतलब कि जो स्टीम टरबाइन से जब टकराएगी तो हॉट होगी खूब, ठीक है, और जैसे टकराएगी धीरे धीरे क्या होगा, वो ठंडा होने लगेगा। जब ठंडा होने लगेगा तो ठंडा होने के बाद वो नीचे आने लगेगा, नीचे आने लगेगा, ठीक है। जब नीचे आने लगेगा तो नीचे हमारा कलेक्टर लगा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स में हमारा स्टीम कनेक्ट होने लगेगा।
तो जब और ठंडा होगा तो पानी के रूप में बदलने लगेगा, वाटर बबल्स के रूप में बदलने लगेगा। अब क्या होगा, अब होगा कि उसके पास से बगल से पंप लगा दिया हमने, उस कलेक्टर के बगल में देखिए पंप लगा दिया, अपोजिट साइड में पंप लगा दिया, और उस पंप को कनेक्ट कर दिया है किससे, बॉयलर से। तो आप देखोगे कि जब वो ठंडा हो जाएगा, पानी के रूप में हो जाएगा, तो पंप हमने शुरू कर देंगे और पानी खींच करके फिर से बॉयलर में डाल देगा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है सौर ऊर्जा से शक्ति में कैसे प्राप्त करते हैं, ये है शक्ति प्राप्ति की विधि, शक्ति प्राप्त की विधि है। अब देखिए शक्ति प्राप्त की विधियां जो हैं वो दो विधियां हैं, एक कांच लेंस द्वारा, दूसरा परावर्तक विधि द्वारा। तो अगर हम देखें ग्लास लेंस मेथड, मतलब कि कांच लेंस विधि को अगर हम देखें, तो ये टॉपिक पढ़िए, देखिए जो फिगर संख्या 1.13 है, जिसमें लिखा है क्या, कांच लेंस विधि, ग्लास लेंस विधि, ग्लास लेंस मेथड। तो इसमें एक कांच लेंस का प्रयोग करके सूर्य की किरणों को एक फोकस बिंदु पर केंद्रित करते हैं। जब सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे पानी गर्म करके भाप बनाई जाती है। इस भाप के प्रयोग से टरबाइन चलाकर फिर जनित्र चलाकर विद्युत ऊर्जा प्रयोग कर सकते। ठीक मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, ऊपर मैंने क्या लगाया था, लेंस लगाया था, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी लेंस लगाया गया है। देखिए सूर्य ऊपर है, सूर्य से किरण निकल रही है, जो कहाँ जा रही है, लेंस पे जा रही है, दाएं बाएं साइड में अगर आप देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो एक लेंस लगा हुआ है। तो आप देखोगे कि लेंस कहाँ जा रही है, लेंस पे सूर्य की किरण पड़ रही है, वो लेंस क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है किसको, रेज को। किसको कर रहा है कन्वर्ज, रेज को कर रहा है, ठीक है, किरणों को एक नाभिक बिंदु, एक फोकस बिंदु पर कर रहा है। अब उस फोकस बिंदु पे हमें बहुत ही अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा मिलने लगेगी। अब वो ऊष्मा हम कहाँ भेजेंगे, बॉयलर पे भेजेंगे। बॉयलर पे जब गर्म होने लगेगा, बॉयलर जब गर्म होने लगेगा, फिगर नंबर 1.13 में देखिए, बॉयलर जब गर्म होने लगेगा, जो ऊपर हमने बताया है सेम वही चीज है। तो जब गर्म होने लगेगा तो वहां पे पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो स्टीम क्रिएट होगा, जब स्टीम उत्पन्न होगा तो जाकर के टरबाइन पे लड़ेगा, टरबाइन हमारी घूमेगी, यांत्रिकी ऊर्जा वहां से उपजेगी, उस यांत्रिकी ऊर्जा को हम विद्युत जनित्र यानी जनरेटर में भेजेंगे, जनरेटर में भेजने के बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलना शुरू मिल जाएगी, ठीक है। यही था पूरा कहानी ग्लास लेंस मेथड का, ग्लास लेंस मेथड का। ग्लास लेंस मेथड का मतलब बस इतना ही है कि सूर्य की इन ऊर्जा को हम एक ग्लास, एक लेंस के माध्यम से गुजारेंगे, जहां पे सारी किरणें एकत्रित होकर एक फोकस बिंदु पर, नाभिक बिंदु पर मिलेगी, और उस जगह पे बहुत अत्यधिक ऊष्मा मिलेगी। अब उस ऊष्मा का प्रयोग करके हम बॉयलर को देंगे, बॉयलर से स्टीम बनाएंगे उस ऊष्मा से, गर्मी से, और इस स्टीम को हम कहाँ भेजेंगे, टरबाइन पे। टरबाइन पे जैसे हम भेजेंगे तो प्रेशर में रहेगा स्टीम, स्ट्राइक करेगा टरबाइन के ब्लेड को, टरबाइन हमारा घूमना शुरू होगा। तो जैसे घूमेगा वहां पे यांत्रिक ऊर्जा उपजेगी, और वो यांत्रिक ऊर्जा ऊर्जा जा करके हमारे जनित्र में जाएगी, जनित्र हमारा क्या करेगा, चलना शुरू करेगा, जनरेटर हमारा चलना शुरू करेगा, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी।